नीच और दुष्ट लोगों के साथ रहने से भला किसका नाम नहीं खराब होता है। ठीक उसी प्रकार यदि शराब बेचने वाला दूध भी बेचने लग जाए तो उसे शराब वाले के नाम से ही जानते हैं और दूध को भी शराब ही समझते हैं। कभी भी अपने रिश्तों के प्रेम बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इन रिश्तों के प्रेम में दरार आ जाए तो फिर पहले जैसा प्रेम भाव नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार यदि किसी धागे को तोड़ दिया जाए तो ये फिर कभी आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, और यदि उन्हें जोड़ा भी जाए तो उनके बीच में गांठ जरूर पड़ जाती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें निश्चल भाव होना चाहिए और प्रेम के प्रति समर्पण होना चाहिए जिसमें कोई अंतर ना हो। ठीक उसी प्रकार यदि चूने और हल्दी को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों अपना रंग खोते हुए एक दूसरे के रंग में ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यदि मोतियों की माला बार बार टूटती है तो भी हम उसे धागे में पिरोकर सही कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अपना जो प्रिय होता है वो एक बार क्या 100 बार भी रूठ जाए तो हमें मना देना चाहिए। इससे हमारे रिश्ते फिर से बने रहते हैं। सच्चा मित्र वही है जो दुख के समय साथ देता है, लेकिन वह मित्र किस काम का जो दुख आने पर तुरंत साथ छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार मक्खन जब मथते हैं तो मक्खन तो दही का साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन मंठा दही का साथ छोड़ देता है। हमें ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां के लोग अपने मतलब के लिए छल कपट का सहारा लेते हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं और कुएं से पानी भी निकालना हो तो मेहनत से निकालते हैं, जबकि दुष्ट और कपटी लोग तो बिना मेहनत किए ही अपने खेतों को सींच लेते हैं।